इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में हम जो है 10 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो है शेंगमिंग और शेंगमियांग साथ में होते हैं और वो जो है शेंगमिंग के फादर के पास होते हैं। और शेंगमिंग के फादर जो है वो कहते हैं जो भी तुमने प्रोजेक्ट बनाया वो बहुत ही अच्छा बनाया है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सुन के जो है शेंगमिंग थैंक यू डैड बोलता है और शेंगमियांग सिर्फ देख रहा होता है शांति से। तो जो शेंगमिंग के फादर है वो कहते हैं कि तुम दोनों जो है हमारे आगे की जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मुझे अब कंपनी की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो शेंगमिंग के फादर जो है वो शेंगमियांग को देखते हैं और कहते हैं कि शेंगमियांग तुम्हें कुछ बोलना है? तो शेंगमियांग जो है वो कहता है नहीं अंकल मुझे कुछ नहीं बोलना। और ये बोल के जो है वो कहता है कि अंकल हम यहाँ से जा रहे हैं, हम आपसे बाद में मिलेंगे। ओके, तो शेंगमिंग के फादर कहते हैं ओके ठीक है। उन लोगों के जाने के बाद जो है शेंगमियांग के फादर गुस्से में कहते हैं कि रुको रुको, हाँ तुम जो है इन सब चीज़ों में जो है मेरे को बिल्कुल भी खुश नहीं कर पा रहे हो। तो जो ज़िया है वो कहती है कि सॉरी, ये जो है मेरा फर्स्ट टाइम है, इससे पहले ये चीज़ मैंने कभी भी नहीं किया। और ये चीज़ वो रोते हुए कहती है। तो शेंगमिंग के फादर कहते हैं कि मिस्टर ज़िया, मुझे पता है कि तुम जो है यंग हो, तुमने इससे पहले ये सब चीज़ें नहीं की होंगी। और वो जो है जो शेंगमिंग के फादर उसके गालों को पकड़ते हैं। तो जो ज़िया है वो कहती है कि प्लीज़ मिस्टर प्रेजेंट दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे आराम से रहेंगे। तो ये उनके जो है शेंगमिंग के फादर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं आता मैं तुम्हें सिखा दूँगा। और ये बोल के वो बोलते हैं तुम्हें क्या लगा मैं ये बोलने वाला हूँ, हाँ और अब ना ये जो है ऐसे ट्रबल करना बंद करो ठीक है। और वैसे भी वुमेंस की जो है सबको सिर्फ यही अपने आंसू दिखा के सबको पिघला लेती हैं, पर तुम मेरे साथ ये सब कुछ भी नहीं कर सकती। तुम जो भी करो मेरे पे तुम्हारा कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और तुम्हें क्या लगता है मेरे पास टाइम? और ज़िया के गालों को बहुत ही टाइट से पकड़ रखे होते तो उसे दर्द होता है। फिर जो शेंगमिंग के फादर है वो ज़िया के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाती है और ज़िया बार बार जो है मना ही करती रह जाती है। थोड़ी देर बाद जो है शेंगमिंग के फादर गुस्से में कहते हैं कि देखो हाँ अब जो है तुम मेरे साथ हो तो तुम्हें जो है आज अच्छे से रेडी हो जाना ठीक है। हाँ तुम जो है मेरे साथ एक पार्टी में चलोगी, वहाँ पे वर्जिन लोग आना बिल्कुल भी वहाँ के पर्सन को पसंद नहीं है। तो एक काम करना तुम फटाफट से जो है रेडी रहना और जो भी तुम्हें चाहिए, मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ चाहिए, तुम वहाँ पे मैं जिस पर्सन को तुम्हें दूंगा तुम उसे अच्छे से सर्व करना अपने आप को, हाँ और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। वैसे भी अब जो है तुम मेरी हो है ना, और वैसे तुम्हें कैसा फील हो रहा है कि मैंने जो है तुम्हें बाय कर लिया, क्या तुम्हें अच्छा फील हो रहा है? हाँ और वैसे भी तुम्हें पता ही ना। और ये बोल के शेंगमिंग के फादर वहाँ से चले जाते हैं। ज़िया जो है और ज़मीन पे ऐसी लेटी होती है, वो जो है मन में सोचती है कि ये जो भी हुआ ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, मैंने अपनी जो है पूरी जो लाइफ है उसको दे दी ये जो अच्छी लाइफ जीने के लिए और उस पैसों के लिए, पर ये बिल्कुल भी सही नहीं हो। मैं और रोते हुए सोचती है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ होगा। तभी जो है वहाँ पर शेंगमिंग आते हैं और वो अपना हाथ बढ़ाता है ज़िया की तरफ, वो कहता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है तुम फ्लोर पर लेटी हुई हो, खड़ी हो जाओ। हाँ तभी जो है ज़िया शेंगमिंग को देखती है और क्या सोचती है कि ये इस समय ये मेरी हेल्प करने आया है, हाँ मुझे पता है ये गलत है पर मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है। और वैसे भी अब शेंगमिंग मेरे साथ है तो मैं उसी के साइड हूँ। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे जो ज़िया शेंगमिंग जिंग को कहती है हाँ कि तुमने अब मेरे साथ फ़न कर लिया, अब तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। और ये बोलने के बाद ज़िया मन में सोचती है कि इसके बाद से मैं जो है सिर्फ ओनली शेंगमिंग जिंग के साथ ही हूँ अब तक। तो शेंगमिंग जिंग जिंग जो है वो ज़िया के हाथों को चूमता और कहता है कि हाँ ऑफकोर्स, पर जो है शेंगमिंग को जो है मेरे साथ हम दोनों की जो है रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, तो तुम जो है थोड़ा संभाल कर रहना। तो क्योंकि ज़िया जो कहती है कि वो है जैसे संभाल के रहने की ज़रूरत है, मैंने जो है उसके फादर को मारा और मैंने जो है शेंगमिंग को उसके फादर के पास मिलने के लिए भेजा था। फिर हम जो है पास्ट का दोबारा से सीन देखते हैं जहाँ पर ज़िया जो शेंगमिंग के फादर हो वो अपनी दवाई मांग रहे थे ज़िया से, लेकिन ज़िया के जो हाथ में दवाई होती है वो देती नहीं और कहती है कि तुम्हें क्या लगा, मन में बोलती है कि तुम्हें क्या लगा तुम हमेशा मेरी लाइफ को ऐसे कंट्रोल करके रख सकते हो। हाँ ये बहुत अच्छा है पर बहुत ही इतना भी अच्छा नहीं है। तभी जो है ज़िया जो है शेंगमिंग के फादर के पास आती है और कहती है कि तुमने बोला था ना तुम हमेशा अच्छी चीज़ को लेते हो, तुम्हारे लिए तो मैं अच्छी हूँ है ना, तो मैं तुम्हें ये दवाई कैसे दे सकती हूँ?
वो दवाइयों को सारे प्यार से कुचल देती है और कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, एक सिर्फ रोमांस करने के लिए अपनी चीज़ों के लिए सिर्फ इस्तेमाल करने वाली लड़की। और सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ जो है हम गेस्ट रूम देखते हैं जहाँ पे वेलम है और वो जो है मिम्मी को कहते हैं हे क्या कर रहे हो तुम, हाँ हाँ तुम अपने पूरे कपड़े उतारो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम रहने दो, मत निकालो अपने पूरे कपड़े। और मन में सोचता है वेलम कि इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। तो मिम्मी जो है वो कहते हैं क्यों नहीं ज़रूरत है, तुम्हें बोला कि मेरे हर एक कपड़े का तुम जो है एक अलग प्राइस दे दोगे, क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। तो ये सुन के जो है वेलम तो ऐसे ही शर्मा रहा होता है, कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं मुकर रहा। तभी जो है मिंगमिंग वेलम के जो क्लोज आ जाता है, तो वेलम कहता है क्या करो मेरे को नर्वस फील हो हो रहा है, हाँ तुम अपने आप को मेरे पास इतना क्यों ला रहे हो। तो ये सुन के मिंगमिंग जो है वेलम को कहता है तुम्हें नहीं पता मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथों से निकल जाओ। और मिंगमिंग जो है वेलम का हाथ जो है अपने जो है बॉडी पर रखता है और कहता है ये देखो ओ मेरे एप्स कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना, मेरे को मेरे एप्स जो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। तो ये सुन के जो है वेलम जो है शर्माता फिर भी कहता है हाँ प्रीटी गुड है। तो ये सुन के मिंगमिंग कहते हैं क्या मतलब है प्रीटी गुड है, हाँ। तो ये सुन के जो है वेलम शर्माते हुए कहता है कि इससे पहले मैंने कभी किसी मैन के जो ऐप्स को ऐसे टच नहीं किया। और मन में सोचता है कैसा बंदा है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है, हाँ। तो वो वेलम की बॉडी को टच करता है और कहता है कि हे तुम्हारी बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा स्किनी है, हाँ। तो ये जो है ये चीज़ सुन के वेलम जो है को गुस्सा आता है और कहता है कि क्या मतलब है कि मेरी बॉडी जो है स्किनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी बॉडी पे एप्स है या मेरी बॉडी स्किनी, मेन बात जो है ये है कि मैं एक रिच पर्सन हूँ, ठीक है। ये जो गुस्से में बोल रहा था तो ये चीज़ मिमिंग देख के कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी बॉडी को लेकर किसी चीज़ को कुछ नहीं बोल रहा, तो मैंने नर्वस क्यों हो रहे हो। तभी जो है वेलम जो है अचानक से जो है क्या होता है वो मिमिंग की जो है बॉडी को जो है चेक करने टच करता है। तो मिमिंग कहता है हे मेरे से दूर रहो, क्या कर रहे हो, मेरे को टच मत करो, अपने हाथों को जो है मेरी बॉडी से दूर करो। और ये जो है मिमी रोते हुए फेस से बोल रहा होता है, हाँ। और ये देख के जो है वेलम थोड़ा सा शाय करता है और कहते हैं सॉरी और मन में सोचता है इसकी वॉइस कितनी ज़्यादा क्यूट है ना, हाँ। और तभी जो है मिमी बिल्कुल रोने वाला फेस बना के बैठा होता है, बोलता है कि इससे पहले इस तरीके से किसी मैन ने मेरी बॉडी को टच नहीं किया तो मैं जो है इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो ये चीज़ सुन के जो है वेलम फिर शाय करता है और मन में सोचता है वाओ ये जिस तरीके से बोल रहा है ना ये भी बहुत ज़्यादा जो है क्यूट है। तो वेलम कहता है अच्छा ठीक है बताओ दे दूँगा बताओ कितना। तो जो मिमी है वो कहते हैं हाँ तुम्हें डबल पे अब करना पड़ेगा। तो वेलम हंसते हुए कहता है ठीक है मैं पे कर दूंगा। मन में सोचता है वाओ इसकी स्माइल भी कितनी ज़्यादा क्यूट है और कहता है ठीक है मैं अपने पैसों को बैग ही पकड़ा दूंगा। हाँ वेलम मन में सोचता है यार ये कितना क्यूट है, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे मन में इसके लिए फीलिंग आ रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, पर कोई बात नहीं चलो जो है मैं इसको थोड़ा सा टीस करता हूँ। हम देखते हैं वेलम जो है वो जो है मिंगमिंग के क्लोज आता है और कहता है थोड़ी सांस आराम से लो, कम ऑन थोड़ा रिलैक्स करो, तुम तो गर्ल्स से भी ज़्यादा सेंसिटिव लग रहे हो, क्या तुमने इससे पहले किसी को किस नहीं किया क्या। तो मिंगमिंग कहता है क्या मैं, तो ये सुन के जो है वेलम और क्लोज आता है और कहता है क्या इसका मतलब मैंने जो गेस किया वो सही किया। तो मिंगमिंग कहता है हाँ तो क्या हो गया। तो वेलम जो है मिंगमिंग इतना क्लोज होता है मन में सोचते वाओ ये कितना ज़्यादा क्यूट है प्रीटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्चुअली मैं ये है कौन, पर मुझे इसके साथ फ़न करना है। तो वेलम जो है मिम्मी के और भी ज़्यादा क्लोज आता है, मिम्मी जो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो मैं जो वेलम है वो कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस कैसे करते हैं, हाँ। और मतलब मन में सोचता कि वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा रिलेशनशिप में रहूँ। और अभी तो जो है मिंगमिंग जो है मेलम को हक करके कहता है प्लीज़ रुक जाओ प्लीज़, मैंने इससे पहले मैन के साथ कुछ भी नहीं किया तो प्लीज़ रुको, मुझे ऐसा पता नहीं कि फील हो रहा है कि मैं जो है गे हूँ। और ये सुन के जो है वेलम भी शॉक हो जा। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है वो भी ख़त्म होता है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।